वेब ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है? अब जैसे ए सोर्स ऑफ लाइट्स है, इससे रे जनरेट हो रहे हैं व्हेन लाइट वेव्स फ्रॉम बोथ सोर्सेस सुपरइम्पोजेस। तो फर्स्ट वाले से भी लाइट्स आ रहे हैं, सेकंड वाले से भी लाइट्स आ रहे हैं, और दोनों लाइट्स आगे जाकर क्या हो रहा है, आपस में मिक्सअप हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। तो देयर आर सम पॉइंट व्हेन लाइट वेव्स मीटिंग सेम फ्रेम, कुछ ऐसा जब दोनों मीट करेंगे तो कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों लाइट्स क्या होंगे, दोनों का प्लेन सेम ही होगा, वेव मीटिंग सेम फेज। तो द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमम एंड आर कॉल्ड ब्राइट रे। ऑब्वियसली जहां दोनों लाइट्स मर्ज होंगे तो ऑब्वियसली वहां लाइट ज्यादा रहेगा, ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्राइट रेंज बोलेंगे उसको। और देयर आर सम पॉइंट व्हेन लाइट वेव मीटिंग अपोजिट फेज, कुछ ऐसे होंगे कि जहां दोनों आपका वेव्स जो है लाइट वेव्स है वो अपोजिट फेज में मीट करेंगे, और अपोजिट फेज में तो वहां क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी लाइट की, और इंटेंसिटी कम होगी तो दैट इज कॉल्ड डार्क रीजन, मतलब जहां दो लाइट मर्ज होने के बाद इंटेंसिटी अगर कम हो जाती है तो डार्क रीजन होता है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड लाइट रीजन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड फॉर्मेशन होता है देन लाइट वेव सुपर इम्पोज, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस लाइट, मतलब दो लाइट्स दो अलग अलग लाइट्स के वेव आपस में मिलने के बाद ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड बनाते हैं, तो दिस सुपर इम्पोज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस लाइट। अब इंटरफेरेंस पैटर्न किस किस तरह का होता है, एक तो सिंपल पैटर्न हो सकते हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो जाते हैं। सिंपल पैटर्न्स में भी स्टेशनरी पैटर्न, सस्टेंड पैटर्न्स और स्टेडी स्टेट पैटर्न हो जाएगा, दिस इज सिंपल पैटर्न। तो अब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू वी गेट स्टेडी पैटर्न, स्टेडी पैटर्न आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो देर आर फ्यू कंडीशन विच हैव टू बी फॉलोड टू गेट स्टेडी पैटर्न, मतलब स्टेडी स्टेट पैटर्न के लिए आपको फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से कंडीशंस को समझने के लिए पहले देखते हैं कि स्टेडी स्टेट पैटर्न क्या होता है। मान लिया कि लाइट सोर्स लिया, दिस इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बात करते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब एक यहां पर स्लिट रख दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो स्लिट इज प्लेस्ड, इससे क्या निकलेगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, कंटिन्यूअस स्फेरिकल वेव फ्रंट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्ट। तो कुछ इस तरीके से स्फेरिकल ब्रॉक वेव फ्रंट लगा, और जो आपका जो डार्क लाइन है मतलब कंटिन्यूअस लाइन है ब्लैक वाले, वो आपको क्या बता रहा है, बेसिकली क्रिस्ट बता रहा है, और जो डॉटेड डॉटेड लाइन है रेड वाले, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रफ, टनेट, क्रिस्ट ट्रफ इस तरह से बनेगा। तो कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, जैसे क्रिस्ट ट्रफ इस तरह से अप एंड डाउन। नाउ सपोज इट टू स्लिट आर कैप, अब यहाँ पर दो स्लिट रख दी एस वन एंड एस टू। अब जो फर्स्ट स्लिट का जो है ये सेकंड के लिए प्राइमरी सोर्स का काम करेगा, अब ये लाइट्स एस वन से भी पास करेगा और एस टू से भी पास करेगा। अगेन एस वन से जो लाइट पास किया, अगेन इसमें डार्क ब्राइट इस तरह से बनेगा, क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट इस तरह से बना। सेकंड्स में भी आपके बन रहे हैं, सेकंड सोर्स में भी बन रहे हैं, दिस इज ए सेकंड सोर्स में आपका बना। अब द पॉइंट पी हैज क्रिस्ट मीटिंग, यहां पर देखो कि कुछ ऐसे पॉइंट है जहां की क्रिस्ट मीट कर रहा है, तो दिस इज ब्राइट बैंड हो जाएगा, कि दो ब्राइट मिलके ब्राइट ही बनाएगा तो ब्राइट बैंड बन जाएगा। एंड दो फिर क्या होगा आपका, आपका एक जो डॉटेड लाइन है ट्रफ की लाइंस, वो दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, तो यहां बन जाएगा आपका दिस आर हैज द क्रिस्ट मीटिंग ए ट्रफ एंड इट वुड बी डार्क बैंड, दिस इज द, मतलब अगर क्रिस्ट क्रिस्ट मिल रहा है और ट्रफ ट्रफ मिल रहा है तो ब्राइट बैंड बनेगा, और क्रिस्ट और ट्रफ मिलेगा तो यहां डार्क बैंड बनेगा, मतलब दो कंटिन्यूअस या दो डॉटेड लाइन मिल रहा है तो आपके ब्राइट बैंड बनेगा, लेकिन एक अगर डार्क डॉटेड लाइन और एक डार्क लाइन है तो उसके इसमें डार्क बैंड बनेगा। इस तरीके से
बहुत सारे बैंड आपके बन जाएंगे, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। अब इससे रे ऑफ लाइट के अपने स्क्रीन पे फोकस किया तो बीच सेंटर वाला क्या बनना है, ब्राइट बैंड, फिर ऊपर डार्क बैंड, नीचे भी डार्क बैंड, फिर देन ब्राइट बैंड। इस तरह से अल्टरनेट आपको इम्प्रेशन स्क्रीन पे दिखेगा, डार्क बैंड ब्राइट बैंड डार्क बैंड ब्राइट बैंड। इस तरह अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स कॉल्ड इंटरपल्सन। मतलब क्या कह रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव के सुपर इम्पोजिशन के कारण जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड इंटर, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब देखते हैं डेरिवेशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, कंसेप्ट टू वेव लिया कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 और इंटरफेरेंस पी पर ऑन द स्क्रीन क्या बना है, वाई बाई ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा है बाई, दूसरा वेव है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस है, पाई तो मालूम है आपको फेज डिफरेंस। अब विष्णु को सुपर इम्पोजिशन करना है, मतलब दोनों को ऐड कर देने के पैटर्न आपको बना, तो एक कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ फॉर्मूला आप लगा दो इसमें साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का। अब इसमें क्या करेंगे, ए कॉमन निकाल लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया, यहाँ वन प्लस कॉस फाइव, इधर से ए कॉस ओमेगा टी साइन फाइव हो जाएगा। ए प्लस वन प्लस कॉस फाइव को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर कॉस फाइव, और ए साइन फाइव को मान लेते हैं आर कॉस थीटा, दोनों रख दिया तो आर कॉमन निकाल लिया, फिर फॉर्मूला साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपके रिजल्टेंट वेव जो दोनों वेव जो थे दोनों को सुपर इम्पोज करके जो सिंगल वेव बना उसका फॉर्मूला आपका ये हो गया आर साइन ओमेगा टी प्लस। अब ऊपर जो इक्वेशंस बना दीजिए SHM एंड एम्पलीट्यूड आर, तो एक काम करते हैं दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं। किसको स्क्वायरिंग करके ऐड करना है आपको, इसको के जो फर्स्ट था ना ए दिस इसको, और सेकंड इक्वेशन ए था, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, स्क्वायर किया और यहाँ आपको ब्रैकेट ओपन करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव टू कॉस फाइव, और यहाँ भी स्क्वायरिंग हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, सबसे ए कॉमन निकाल लिया, या कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन, और ये वन ऑलरेडी पहले से है तो टू हो जाएगा, टू प्लस टू कॉस फाइव, अगर यहाँ से टू कॉमन निकाले टू ए स्क्वायर, तो वन प्लस कॉस फाइव का फिर से फॉर्मल लगा दिया टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो आर बराबर मतलब क्या होगा, और इंटेंसिटी क्या होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज आर रिजल्टेंट वेव का, तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, और यहां से अगर एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो आर हो जाएगा टू ए कॉस फाइव बाई टू। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा वन हो जाएगा प्लस माइनस वन कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस फाइव बाई टू प्लस माइनस वन, मतलब ब्राइट फ्रिंज कब होगा जब आपका फेज एंगल जीरो हो, टू पाई हो, फोर पाई हो, सिक्स पाई हो, एट पाई हो, एस वन टू एन पाई, इस पे आपके क्या हो जाएंगे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, और पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो लेमडा टू लेमडा एस वन एन लेमडा, और ब्राइट बैंड फ्रिंज के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी फोर ए स्क्वायर, मतलब पीछे जो फॉर्मूला लिखा ना उसमें ही रख देना आपने को, ये जो आपका एंगल है यहाँ रख देना, इससे आपको इंटेंसिटी निकल जाएगी आपकी। अब डार्क फ्रिंज के लिए आपकी मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी जीरो, मतलब कॉस एंगल आपको क्या रखना है जीरो रखना है डार्क के लिए, डार्क मतलब मिनिमम की बात कर रहे हैं, और इसके लिए आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा जीरो थ्री फाइव, मतलब डार्क फ्रिंज या मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो एंगल है ना वो ऑड मल्टीपल हो रहा है, जबकि ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो आपका फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल हो रहा है टू फोर सिक्स एट, और ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका डार्क फ्रिंज के लिए।
तो इंटेंसिटी वेरिड बिटवीन मैक्सिमम आई इक्वल टू 4a² और मिनिमम क्या हो जाएगा आपका 0, बट एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इस तरीके से कंजर्व रहेगा। देखिए 5 मिनिमम मिल रहा है, 3 5 पे मिनिमम मिल रहा है, एक 5 5 पे मिनिमम मिल रहा है, और एक 2 5 पे क्या है मैक्सिमम, 4 5 पे भी मैक्सिमम और 0 पर भी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी 4a² और मिनिमम इंटेंसिटी 0। सी ये होगा ना स्टेडी स्टेट पैटर्न होगा, कॉम्प्लेक्स पैटर्न तो भी पढ़ाया ही नहीं ना, ये स्टेडी स्टेट पैटर्न। स्टेडी पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस या बैंड। नेक्स्ट द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड फॉर लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब देखते हैं बैंडविड्थ का कंसेप्ट, इसी में जो स्क्रीन पे बन रहा था आपका ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट बैंड, कोई भी दो ब्राइट बैंड के बीच का डेंसिटी, और डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड या एनी टू सक्सेसिव डार्क बैंड इट्स कॉल्ड बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ कहते हैं इसको। कोई भी सक्सेसिव ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस हो या कोई भी सक्सेसिव डार्क डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस हो दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा या एक्स। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ कैसे निकलते हैं। ये आपका लाइट्स आया, ये आपका स्क्रीन विथ टू स्लिट के साथ स्क्रीन है, और ये आपका ऑप्टिकल स्क्रीन है। इधर से क्या आ रहा है मोनोक्रोमेटिक प्लेनर वेव, यहाँ बना आपका, अब ये ऑप्टिकल स्क्रीन से पास हुआ, तो कुछ इस तरीके से आपका बैंडविड्थ बन जाएगा आपका ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क डार्क डार्क। देखो जहाँ डी ए डार्क बन रहा है, फिर थोड़ा सा ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट इज द कंसीडर द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट एज पी, दिस इज पी, और कंसीडर द एनथ एंड एन प्लस इज ब्राइट थिंग, एनथ ब्राइट बैंड है और एन प्लस एनथ क्या हो गया आपका ब्राइट बैंड, एनथ एंड एन प्लस एनथ क्या हो गया ब्राइट बैंड का हो गया, और लेट एक्स एन एंड एक्स प्लेन वन विद द डिस्टेंस ऑफ एनथ बैंड और एन एच प्लस ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड से डिस्टेंस ले लेते हैं इसको, दिस इज एक्स एन और दिस इज एक्स एन प्लस एन, मतलब एन से डिस्टेंस एन एच से डिस्टेंस एक्स एन हो जाएगा और एन प्लस वन एच से डिस्टेंस आपका एक्स एन प्लस वन हो जाएगा, और दिस इज बीटा डैश। कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन क्या होगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, दिस इज एक्स बी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर एनथ ब्राइट बैंड के भी आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एन, मैंने एनथ के लिए बात करें, इसके लिए आप किसी भी ब्राइट बैंड के लिए एक्स एन डी अपॉन डी इक्वल टू एन बाई, आप अलग अलग एन बराबर 1 2 3 करके किसी फर्स्ट ब्राइट बैंड सेकंड किसी के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स एन के लिए ये हो गया, अगर एन प्लस एनथ ब्राइट बैंड के लिए पढ़ेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, इससे एक्स एन प्लस वन, और एन की डिफरेंट वैल्यूज रख के आप यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों को सेपरेट कर ले तो आपका फाइनल ये आ जाएगा एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन डी, एक्स एन प्लस वन की वैल्यू रख दिया और एक्स एन की वैल्यू रख दिया, दोनों को सॉल्व किए तो ये आ गया आपका लैम्डा डी अपॉन डी, और एक्स एन माइनस एक्स एन क्या आपका बीटा डैश, बीटा डैश क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस, दिस इज बीटा डैश। ये आपका फाइनल फॉर्मूला जो है, ये अपना कंसीडर सेंट्रल पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं पी, अब कंसीडर अब पहले तो ब्राइट बैंड के लिए देखा था, अब डार्क बैंड के लिए, ब्राइट बैंड के लिए अपन एन माना था, डार्क के लिए अपन एम मान लेते हैं, एनएथ डार्क बैंड और एन प्लस वन एथ डार्क बैंड, तो एक्स एम जो हो गया आपका
xm हो गया आपका xm के लिए डिस्टेंस, और xm प्लस वन हो गया आपका m प्लस वन एथ के लिए, a nth नहीं है, a mth हो गया। अब दिस इज बीटा डबल डैश, तो कंसीडर फॉर डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस क्या हो गया, ए डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ए फॉर्मूला होगा एम एक्स डार्क बैंड के लिए, ए आपका एक्स एम निकल गया, और एन ए इंफ्रास्ट्रक्चर डार्क बैंड के लिए ए फॉर्मूला हो गया आपका, और दोनों का डिफरेंस क्या बीटा डबल डैश, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, ये हो गया आपका दोनों का बीटा डबल डैश का फॉर्मूला हो गया, मतलब डार्क बैंड के लिए, तो वी गेट बीटा डैश और बीटा डबल डैश दोनों के लिए दोनों सेम है, तो बीटा डैश मतलब क्या होगा आपका बीटा बीटा बैंड बैंड विड्थ, तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया बैंड विड्थ के लिए लैम्डा डी अपॉन डी, तो बस इन जनरल फ्रिंज विड्थ बीटा लैम्डा डी बाय डी के फॉर्मूला याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट विड्थ और डार्क विड्थ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बैंडविड्थ, इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड टू इज इंक्रीज द बैंडविड्थ इज, बैंडविड्थ क्या होगा इसमें इंक्रीज करेगा, और स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स और स्लिट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स और स्लिट क्या होगा आपका वेरी स्मॉल। अब देखते हैं कंडीशन फॉर ए स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या कंडीशन, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट बी क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, पहला कंडीशन की दोनों सोर्स जो होना चाहिए वो आपका कोहेरेंट होना चाहिए तभी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा, और द सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स मतलब और कोहेरेंट सोर्सेस बेसिकली क्या होता है फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस, कुछ इस तरीके से सर सोर्सेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सिंगल ओरिजिनल सोर्स से लाइट ट्रेवल करना। सेकंड कंडीशन स्टडी के लिए क्या होना चाहिए कि सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, अगर कभी डाइक्रोमेटिक लाइट अगर यूज कर दिस रेड लाइट वेव और दिस ब्लू लाइट वेव, इसको अपन इससे टेस्ट पास करवाया दिस इस तरीके से एक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपका, अगर डाइक्रोमेटिक लाइट अगर यूज करोगे तो क्लियर आपका पैटर्न्स नहीं बन पाएगा। सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक दैट इज सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स if source emit light waves is more than one wavelength rather than one point there may be constructive interference padega aur dusra destructive interference padega, also the number of bright and dark band will increase, the number of bright and dark band kya hoga aapka increase karega, hence pattern will be complex and colorful ban jayega isme। थर्ड, इफ टू लाइट सोर्स मस्ट बी इक्वली ब्राइट, अगर दो लाइट सोर्स इक्वली ब्राइट है मतलब कि दे मस्ट इमिट लाइट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रहेगा उसका, कुछ इस तरीके का, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 - A2 जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर दोनों और अगर A1 की एम्पलीट्यूड 4 है A2 की 1 है तो मिनिमम क्या आ जाएगा आपका, ये आपका मिनिमम होना चाहिए A1 - A2 4 - 1 दिस इज 3 हो जाएगा आपका, तो मिनिमम मतलब क्या हुआ कि मिनिमम इंटेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द मिनिमम एम्पलीट्यूड, और अगर A1 A2 अगर मैं 4 कर दूं यहाँ मिनिमम क्या आ जाएगा आपका 0, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी दोनों केस में, इफ टू लाइट सोर्स मस्ट बी नैरो, अगर दो लाइट सोर्स बहुत ज्यादा नैरो कुछ इस तरीके का उसका पैटर्न आपके बन रहा है नैरो सोर्स के कारण, दिस इज कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा दोनों पैटर्न्स, तो मतलब इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एट दिस स्लेट ड्यू टू विच
पैटर्न लेटर बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। इफ टू सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर, अगर दो सोर्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज एस वन एस टू। अब जैसे फर्स्ट में पैटर्न देख रहे हैं सेकंड का ना, तो इस फर्स्ट के कंपेरिजन में सेकंड में सोर्स क्लोज ज्यादा एक दूसरे के क्लोज। इफ टू सोर्स शुड बी सफिशियंटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन से, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस इस तरह से, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज नोन एज द फ्रिंजेस फ्रिंज बिट्स इज बीटा, जो कि प्रीवियस स्लाइड्स में अपन ने डिस्कस किया था और फाइंड आउट भी किया था, डी लैम्डा बाय डी, दैट इज एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या आपका विड्थ ऑफ द स्लीव। अब एंगुलर फ्रिंज बिट्स अगर निकालेंगे तो एंगुलर फ्रिंज बिट्स क्या हो जाएगा आपका, बीटा अपॉन डी हो जाएगा, मतलब फ्रिंज बिट्स अपॉन ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा स्लिट और स्क्रीन के बीच में, या और करेंगे तो लेमडा अपॉन डी, लेमडा तो मालूम है वेवलेंथ और डी क्या है स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये जो अपन ने बनाया था इसके बीच का डिस्टेंस, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज बिट, तो बीटा मतलब फ्रिंज बिट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस तरह का लाइट आप यूज करो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, दैट इज फ्रिंज बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और बीटा डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस पे डिपेंड करेगा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, एंड बीटा डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑन स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, दिस इज बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। इफ अगर डी इज वेरी लार्ज हो देन बीटा विल बी लार्ज एंड इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बी नॉट रीऑब्जर्व, उस केस में इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, अगर डी बहुत ज्यादा लार्ज हो मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, तो डी बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में आपको फ्रिंज विड्थ भी लार्ज मिलेगा, फ्रिंज विड्थ लार्ज मिलेगा तो इंटरफ्रेंस पैटर्न विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। इफ मिनिमम इंटेंसिटी जीरो, जो कि अपने कंडीशन, तो बी इक्वल टू वन, इन दिस केस में फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी मैक्सिमम, इस केस में सबसे ज्यादा आपको फ्रिंज विड्थ मिलेगा, और अगर आई मैक्स जीरो हो जाए मतलब वी क्या हो जाएगा माइनस वन, इस केस में क्या मिलेगा हाफ ऑफ विजिबिलिटी नॉलेज अबाउट कोहेरेंस फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट एंड इंटरफ्रेंस पैटर्न भी विजिबल, इसमें सभी तरह का विजिबिलिटी आपको दिख जाएगा, और अगर आई मैक्स और आई मिनिमम दोनों इक्वल हो तो वी आपका जीरो हो जाएगा, इस केस में कंडीशन इंटरफ्रेंस पैटर्न विल नॉट विजिबल, मतलब इस केस में आपको विजिबल होगा ही नहीं अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी दोनों सेम हो जाए, दिस इज फ्रिंज विजिबिलिटी, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम हो जाएगा तो फ्रिंज विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी, और फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होता है आई मैक्स माइनस आई मिन, आई मैक्स प्लस आई मिन, मतलब टू एंड आई वन आई टू प्लस आई वन आई टू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है मैंने अगर याद हो तो आपको कल भी मैंने आपको बताया था, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, और फाइव तो मालूम है आपको फेज डिफरेंस, और ये आपका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है यानी एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, दिस इज ए स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड का है और ये ऊपर वाला इंटेंसिटी का, तो अगर आई वन आई टू जीरो हो जाए तो यहाँ से आई वन आई टू इक्वल टू आई नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा, ये मैंने कल भी बताया था, एवरेज इंटेंसिटी ये भी कल के क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब कह रहा है कि when one of the slit is closed, अगर दोनों में से किसी भी एबिस है, किसी भी इसको है या इसको, दोनों में से एक स्लिट को क्लोज कर दिया जाए एंड विड्थ ऑफ द अनदर इज मेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा का, देन डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, अ सोप फिल्म और अ थीन ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस पे अगर
पूरा सोप फिल्म मतलब पूरा झाग लगा साबुन का कर दो, या एक ऑयल स्प्रेड करो, ऑयल स्प्रेड कर दो पूरे वाटर पे, उस केस में क्या होगा, वेंसिनिन वाइल लाइट अपीयर्स कलर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम, उस केस में अगर आप लाइट पास करोगे तो आपको इंटरफेरेंस कैसा दिखेगा, कलर्ड फुल अपीयर्स दिखेगा, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ पाथ डिफरेंस इज दिस टू म्यू कॉस आर माइनस लैम्डा बाय टू, और आर तो मालूम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होगा इसका आंसर, कोरेंट सही है। और स्टेडी स्टेट पैटर्न द टू सोर्सेस शुड बी नैरो, सही है, इफ टू सोर्सेस हैव सेम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी देन स्टेडी पैटर्न हैज नो कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट, और स्टेडी स्टेट पैटर्न डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, सफिशियंटली लार्ज, स्मॉल में भी नहीं बनेगा ना, पूरा स्मॉल में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इनफिनिट लार्ज तो होना ही नहीं चाहिए, माने सफिशियंटली होना चाहिए जिससे कि अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न दिख जाए। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट बैंड हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में आपका डार्क बैंड हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस इज दैट, तो व्हेन लाइट वेव्स क्रिस्ट मीटिंग क्रिस्ट और ट्रफ मीटिंग ट्रफ, मतलब क्रिस्ट क्रिस्ट से मिल जा और ट्रफ ट्रफ से मिल जा, तो द रीजन फॉर्म विल बी ब्राइट रीजन और ब्राइट बैंड मिलेगा, दिस इज डार्क डार्क से मिल रहा है, लाइट लाइट से मिल रहा है, इससे ब्राइट बैंड मिल जाएगा, यहाँ भी डार्क डार्क, दिस इज द ब्राइट बैंड, यहाँ भी डार्क डार्क, दिस इज द ब्राइट बैंड, मतलब क्रिस्ट क्रिस्ट से मिल जाए, ट्रफ ट्रफ से मिल जाए, उस केस में आपको क्या मिलेगा, ब्राइट रीजन या ब्राइट बैंड मिलेगा, द पैटर्न इन विच ऑल ब्राइट बैंड आर फॉर्म एज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट बैंड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मतलब क्रिस्ट ट्रफ से मिल जाए, क्रिस्ट मीटिंग ट्रफ या ट्रफ मीटिंग क्रिस्ट, द रीजन फॉर्म विल बी डार्क रीजन या डार्क बैंड बनेगा, अ पैटर्न इन विच ऑल डार्क बैंड आर फॉर्म आर कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव, सभी डार्क बैंड बनेगा, इस केस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट के लिए क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए तो क्या है आपका ब्राइटनेस है, दैट इज फॉर ए ब्राइट बैंड क्रिस्ट ऑफ वन वेव शुड मीट द क्रिस्ट ऑफ अनदर वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव शुड मीट द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, और फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो, फर्स्ट ब्राइट बैंड बोलेंगे तो टू पाई, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पाई, इस तरीके से फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड थर्ड बैंड चलते, डिस्ट्रक्टिव बने डार्कनेस मतलब एक की क्रिस्ट और दूसरे के ट्रफ से मिल जाए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा पाई और पाथ डिफरेंस पाई बाय टू, दिस इज फर्स्ट डार्क बैंड के लिए, सेकंड डार्क बैंड के लिए फेज डिफरेंस आपका थ्री पाई और पाथ डिफरेंस थ्री पाई बाय टू, उसी प्रकार से थर्ड बैंड फोर्थ बैंड फिफ्थ इस तरह से सभी आपको मिलेंगे, ये बताएं अब पॉइंट स्टेडी स्टेट पैटर्न है जो फेज डिफरेंस पाई पाई, इसके लिए दिस इज थर्ड डार्क बैंड, अब जैसे फेज डिफरेंस मैंने ये बताया और दिस इज फेज डिफरेंस पाई पाई बाय, तो दोनों फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को आप इक्वल कर दो, इससे आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, दिस इज एम इक्वल टू थ्री, इससे आप फाइंड आउट कर सकते, द पाथ डिफरेंस ऑफ टेंथ डार्क बैंड, तो वही चीज जो फॉर्मूला बताया उसी से होगा, 19 पाई बाय टू लैम्डा बाय टू, सॉरी, तो पाथ डिफरेंस क्या है आपका 2m माइनस 1 दिस इज, और m क्या दे रखा था आपका 10, तो 20 माइनस 1 10 इंटू 2 20 माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ये हो गया आपका 19 लैम्डा बाय 2 इज द फाइनल आंसर।